हेलो एवरीवन, आप सभी का चीजी कोड में स्वागत है। तो ये कोई पढ़ाई वाला वीडियो नहीं है, मैं इसमें कुछ समझाने नहीं वाला हूँ। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी कोर जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है। जितने भी हमारे कोर जावास्क्रिप्ट वाले फीचर्स थे, जैसे कि हमारा एरे हो गया, एरे के कुछ मेथड्स हमने देखे थे, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, क्लोजर्स क्या होते हैं, स्कोप्स क्या होते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स कवर किए हमने कोर जावास्क्रिप्ट की सीरीज में। तो अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेक श्योर करें कि उसे देखें। तो ये कोर जावास्क्रिप्ट सीरीज के कंप्लीट होने के बाद हम लोग वही चीज करेंगे जिसके लिए जावास्क्रिप्ट बनाई गई थी। तो जावास्क्रिप्ट जो बनाई गई थी वो ब्राउजर्स पे इंटरेक्टिविटी ऐड करने के लिए बनाई गई थी, यानी जो हमारा डॉम था उसके साथ मैनिपुलेशन करना था हमें, कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना था, रिमूव करना था, एनिमेशन ऐड करने थे, बटन पे क्लिक हैंडल करने थे। तो ये सारी चीजें कवर करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोज में, तो स्टे ट्यून फॉर दोज वीडियोज। उसके बाद हम लोग एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे, उसके बाद नोडजेएस के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और ES6 के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए और लोगों तक हमें पहुंचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।